मूल्य, जो फॉर्मूले हमारे इन न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। अगर आपको टेम्परेचर टी केल्विन की फॉर्म में निकालना हो तो 273 प्लस और यहाँ पर टी डिग्री सेल्सियस, तो जो भी डिग्री सेल्सियस वाला हो हमारा टेम्परेचर उसे हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 273 ऐड करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपको पता हो डेल्टा टी केल्विन इक्वल होता है डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर चेंज हो टेम्परेचर में तो चेंज दोनों सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा देखें हम यहाँ कि कोई टेम्परेचर टी इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस है और टी वन और टी टू क्या हो जाता है, यहाँ से इससे चेंज हो जाता, टी टू हो जाता हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर। तो अगर इसमें हम निकालें डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितना आता, 37 माइनस 27 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमने यहाँ पे T1 देखा, T2 देखा, T1 तक 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस हुआ और उसमें जब हमने चेंज निकाला तो 10 डिग्री सेल्सियस। अगर आप चेंज केल्विन में निकालोगे तो चेंज केल्विन में भी सेम होगा, बट T1 क्या होगा, अलग होगा। T1 क्या होगा, 27 प्लस के 273, इसका मतलब हो गया 300 केल्विन, और T2 कितना हो जाएगा आपका, 37 प्लस के 273, ये हो जाएगा 310 केल्विन। लेकिन अगर आप डेल्टा टी निकालते हो तो डेल्टा टी क्या होगा आपका, T2 माइनस के T1, इसका मतलब 310 माइनस के 300, तो ये बन जाएगा आपका 10 केल्विन। तो यहाँ हमें एक चीज़ देखने के लिए मिली कि अगर टेम्परेचर में चेंज देखना हो, डेल्टा टी देखना हो, तो डेल्टा टी चाहे आप केल्विन में लें चाहे आप डिग्री सेल्सियस में लें, दोनों चीज़ें कैसी होती हैं हमारी, सेम होती हैं। डिग्री सेल्सियस वाले को स्मॉल टी बना लो, टी डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या चीज़ हुई, अगर केल्विन में टी चाहिए और आपके पास डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करना, लेकिन अगर डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में दिया और डेल्टा टी ही केल्विन में चाहिए, तो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस और केल्विन के दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं यहाँ इस फॉर्मूले में। इसके बाद में हीट का फॉर्मूला होता, हीट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू कितना होता, CM इंटू डेल्टा टी। इसके बाद क्या आता हमारा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, क्या है हीट, एक मिनट इसे इरेज कर दें, हीट कैपेसिटी जो होता हमारा वो क्या होता, सी डेस, इसका फॉर्मूला क्या होता आपका, क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसके एक फॉर्मूला होता आपका M1C1 T1 माइनस के T इज इक्वल टू M2C2 और T माइनस के T2, ठीक है। इनमें बड़े टेम्परेचर में से छोटे टेम्परेचर को हटाया जाता, ये हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे हैं इसके। नंबर वन न्यूमेरिकल, बाय इम्पार्टिंग हीट टू अ बॉडी, बाई इम्पार्टिंग हीट टू अ बॉडी इट्स टेम्परेचर राइज बाई 15 डिग्री सेल्सियस, यानी किसी बॉडी का टेम्परेचर जो राइज होता है वो कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस। तो टी इज इक्वल टू कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आप देखेंगे वॉट इज करेस्पोंडिंग राइज टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन, तो करेस्पोंडिंग राइज टेम्परेचर का डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, डेल्टा टी तो यही 15 केल्विन बनेगा। आपको पता है डेल्टा टी केल्विन का हो चाहे डिग्री सेल्सियस का हो, दोनों कैसे होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन टू है वो टू ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट बोल रहा आपको कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, हमें हीट कैपेसिटी बतानी कॉपर की, ठीक है। वेसल और आगे दे रखा मास कितना दिया कॉपर का हमारा 150 ग्राम, और जब कह दे रखा इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज दिस, तो हीट कैपेसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, हमें सी डेज की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है। और इसके बाद में आगे क्या बोल रहा है हमारा, सी डेज हमें फाइंड आउट करना, इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज दिस, यानी सी की वैल्यू स्पेसिफिक हीट दे रखी है हमें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें गिवन है, कैपेसिटी ये गिवन है, तो C इज इक्वल टू कितना दिया हमें, 410 जूल केजी इनवर्स और कितना दिया हमें किलोग्राम इनवर्स, ये इसकी यूनिट दे रखी है। तो इसमें हमें क्या करना,
इसके अंदर, और मास कितना दिया, मास दे दिया m इज इक्वल टू 150 ग्राम, और इसे कर सकते हैं m इज इक्वल टू 150 अपॉन 1000 किलोग्राम। इसे c डेस इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाई m, ये जो वैल्यू होती है c डेस की, क्या होती c मल्टीप्लाई बाई m। तो c डेस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो कि c डेस अगर आपको निकालना हो तो यहाँ लिख लें हम c डेस इज इक्वल टू c इंटू एम होता। तो c डेस की वैल्यू जैसे हम लेंगे, c कितना बताओ, c है हमारा यहाँ पर 410 और m कितना 15 अपॉन कितना हो गया 100 हो गया। तो आप देखो ज़ीरो से ज़ीरो काटो, अब c डेस इज इक्वल टू 15 वन ज़ा 15 का 5 कैरी 1, 15 फोर ज़ा 30, 15 फोर ज़ा सॉरी 60 हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका 61 अपॉन 10। तो c डेस इज इक्वल टू 61.5, इसका होगा जूल केल्विन इनवर्स, किलोग्राम नहीं आता इसकी यूनिट में। बस बी पार्ट देखेंगे इसका, बी पार्ट के बोलना है इसी का, बी पार्ट बोला हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द वेसल 25 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मतलब इसी क्वेश्चन के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, T1 जो दे रखा हमें वो कितना दिया हमें 25 डिग्री सेल्सियस, और T2 दिया हमें 35 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से डेल्टा T निकालना, डेल्टा T हो गया 35 माइनस के 25, तो 35 माइनस 25 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आप इसे केल्विन में निकालते हैं डेल्टा T को, तो यही 10 केल्विन आएगा, क्यों, डेल्टा T दोनों में सेम रहता। अब हम लगाएंगे हम Q इज इक्वल टू सी एम और डेल्टा T, ठीक। तो Q इज इक्वल टू C कितना, C हमें गिविन था 410 और M कितना है, M है हमारे पास ये रफ M सॉरी 15 अपॉन 100 और इंटू डेल्टा T कितना हो गया हमारा 10 हो गया। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, तो Q इज इक्वल टू एक जीरो से एक जीरो दूसरे जीरो 15 की इसकी मल्टीप्लाई करोगे 615 जूल। तो इतनी एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ में, टेम्परेचर राइज करने को 25 डिग्री से 30 डिग्री। इसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 3, अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 2 kg, एक पीस ऑफ आयरन है जिसका मास कितना दे रखा, m इज इक्वल टू 2 kg दिया ये मास। इसके बाद में आगे दिया हमें हैज़ हीट कैपेसिटी, जिसकी हीट कैपेसिटी कितनी दे रखी है हमें, हीट कैपेसिटी इट्स मीन सी डेस है, कितना है हमारा सी डेस। तो सी डेस कितना आपका 966, और यह है आपका जूल और केल्विन इनवर्स। इसके बाद आगे क्या दे रखा है, हीट एनर्जी नीडेड टू वार्म बाय 50 डिग्री सेल्सियस, तो कितना डिग्री, 50 डिग्री सेल्सियस एंड स्पेसिफिक हीट SI यूनिट में। तो दोनों चीज़ें निकालनी, स्पेसिफिक हीट भी निकालनी और हीट एनर्जी भी निकालनी, वार्म करना 15 डिग्री सेल्सियस। तो T इज इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा T इज इक्वल टू है 15 डिग्री सेल्सियस, चाहे इसे डेल्टा T इज इक्वल टू 15 केल्विन भी कहा जा सकता है। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही। अब इसके बाद की बात करेंगे जैसे हम आगे, तो हमें सबसे पहले क्या निकाल लें, इससे हम C निकाल लें, हमारे पास फॉर्मूला C डेस इज इक्वल टू सी एम। तो C की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो C का फॉर्मूला बनेगा, ये हो जाएगा C डेस अपॉन M। तो C इज इक्वल टू सी डेस, सी डेस की वैल्यू कितनी है 966 और अपॉन M कितना, M है मास 2 kg, 2 से इसे कट करते हैं, कितनी बार जाएगा 2 4 8 16 हो गया, 2 8 16 2 3 3, तो C इज इक्वल टू 483 और ये हो गया जूल किलोग्राम इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स, ये हमारा आ गया आंसर। तो सेकंड वाला जो पार्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो पहले आ गया, चलो अब बाद में निकालेंगे। क्यों, Q इज इक्वल टू सी एम इंटू डेल्टा T, तो Q इज इक्वल टू C कितना आपका 483 और M कितना हो गया, M है आपका 2 kg और डेल्टा T कितना, डेल्टा T जो हमें राइज करना है वो 15 डिग्री सेल्सियस राइज करना, तो Q इज इक्वल टू 483 मल्टीप्लाई बाई, इनकी मल्टीप्लाई हो गई 30, तो Q इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे 0 3 3 9 हो गया, 8 3 24 कैरी 2 हो गया, 4 3 12 हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे 14 हो गया। तो ये बन गया हमारा इतने जूल हमें एनर्जी चाहिए, काय के लिए इतने जूल एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होगी। और क्या बोल रहा हमारा, पढ़ो इसे क्वेश्चन 4 को, बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 100 ग्राम ऑफ कॉपर। तो मास कितना दिया हमारा 100 ग्राम
एकदम से इसे किलोग्राम में कर लो, क्योंकि ग्राम में ज़रूरत ही नहीं होती। 100 upon 1000 होगा, 2 0 से 2 0, तो 1 upon 10 किलोग्राम हो जाएगा, ये केजी बन गया। इसके बाद में आगे पढ़ो क्वेश्चन, अभी हमने सिर्फ मास के बारे में पढ़ा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 100 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम 20 degree Celsius टू 70 degree Celsius। तो T1 इज इक्वल टू 20 degree Celsius और T2 इज इक्वल टू 70 degree Celsius। तो यहाँ पे डेल्टा T निकालेंगे तो वो बनता 50 degree Celsius, और डेल्टा T 50 Kelvin भी लिखा जा सकता है, चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो चाहे केल्विन में, दोनों सेम होते हैं। इसके बाद में क्या दे रखा, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी C की वैल्यू दे दी 390 जूल किलोग्राम इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। तो हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू सी एम और डेल्टा टी लिखते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है हमारी 390, एम कितना हमारा 1 upon 10 और डेल्टा टी कितना 50। तो आप देखें 0 से 0 कैंसिल, तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो एज इट इज रहेगा 5 9 45 5 कैरी 4 5 3 15 और 4 19, इतने जूल एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी इसके अंदर। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। पांचवे क्वेश्चंस की बात करते हैं, कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 बोल रहा है हमारा कि 1300 क्वेश्चन 5 1300 जूल ऑफ हीट एनर्जी, 1300 जूल ऑफ हीट एनर्जी। तो Q इज इक्वल टू है 1300 जूल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू राइज द टेम्परेचर 0.5 kg। तो m इज इक्वल टू हो गया 0.5 kg, इतने के जी राइज करने के लिए ऑफ लीड फ्रॉम 20 degree Celsius टू 40 degree Celsius। तो T1 इज इक्वल टू 20 degree Celsius और T2 इज इक्वल टू कितना बनेगा 40 degree Celsius। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हमें सी की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले डेल्टा टी निकालते हैं, डेल्टा टी क्या होगा आपको 40 minus 20 20 degree Celsius, या डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं 20 ही Kelvin। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता सी एम डेल्टा टी होता, यहाँ से हमें सी की वैल्यू निकालनी, तो क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी आता, तो सी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू कितना दे रखा है हमें 1300, एम कितना दिया हमें 0.5 एंड डेल्टा टी कितना दिया हमें डेल्टा टी दिया 20 मल्टीप्लाई बाई 20। जीरो से पॉइंट कैंसिल, तो सी इज इक्वल टू 1300 अपॉन कितना है 5 to 10 हो गया, ये जीरो से अगेंस्ट जीरो कैंसिल, तो 130 जूल किलोग्राम इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 क्वेश्चंस क्या, क्वेश्चन 6 है फाइंड द टाइम टेकन बाय 500 वाट ऑफ हीटर। तो ये पावर दे रखी है हमें हीटर की, तो पावर P इज इक्वल टू कितना दिया हमें 500 वाट दिया। इसके बाद में हमें दे रखा टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 50 kg ऑफ मटेरियल, मास दे रखा हमें 50 kg ऑफ मटेरियल, ठीक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी कितना दिया हमें, सी दिया है हमें कितना हो गया बेटा सी 960 जूल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स। इसके बाद में दे रखा फ्रॉम टेम्परेचर दिया है हमें T1 इज इक्वल टू 18 degree Celsius टू T2 इज इक्वल टू कितना दे दिया 38 degree Celsius। तो डेल्टा T कितना आएगा इनमें 20 degree Celsius, और डेल्टा T को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 20 Kelvin। तो ये बोल रहा हमारा एज्यूम डेट द हीटर एनर्जी सप्लाइड गिवन बाय द मटेरियल। तो हमें ये बताना फाइंड द टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा। एक हीटर है जो कि हीटर है 500 वाट का, 500 ग्राम ऑफ कॉपर है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी है, 18 degree Celsius से 38 degree Celsius हमें उसका टेम्परेचर पहुंचाना, तो कितने टाइम में इतना टेम्परेचर पहुंच जाएगा, हमें टाइम चाहिए। तो टाइम के लिए पहले उसकी कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है वो निकालते हैं हम, हीट की रिक्वायरमेंट। तो हीट की रिक्वायरमेंट निकालने के लिए क्यू इज इक्वल टू सी एम और डेल्टा टी लगाएंगे। क्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सी कितना 960, एम 50, और डेल्टा टी कितना हो गया, ये हमारा 20 हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, हीट की रिक्वायरमेंट। ऐसे रहें तो कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, इसे इक्वेशन 1 बोल दें। अब पावर का यूज करना, देखो हम जानते हैं पावर P इज इक्वल टू होता है W अपॉन T, पावर P इज इक्वल टू
डब्ल्यू अपॉन टी, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू वर्क डन होता, और वर्क जो होता वो भी एक तरह की एनर्जी होती, हीट भी एनर्जी होती, तो यहाँ पे डब्ल्यू ना आकर के क्यू अपॉन टी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, क्यू अपॉन टी। तो अगर आप टी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो टी को एक काम करो, आप यहाँ ले आओ, ये टी जो है ये टी फोर टाइम है, ये टी फोर क्या है हमारा टाइम है, जैसे पूरा टाइम लिख लो, कभी कंफ्यूजन हो टेम्परेचर में, इसमें टाइम को इधर लाएंगे, अगर हमें टाइम निकालना तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन पी हो जाएगा। तो अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना, क्यू की वैल्यू देखो कितनी है, क्यू है आपका 9600, फिर 50, फिर इंटू 20, हमने कैलकुलेशन नहीं की थी, अपॉन पावर, पावर कितनी दे रखी है हमें 500। तो अगर आप देखोगे दो जीरो, ये दो जीरो कैंसिल कर लेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा टाइम लगेगा वो कितना 960 मल्टीप्लाई बाई 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 6 2 12 12 2 कैरी 1, 9 2 18 और ये 19, ये आएगा हमारा सेकंड में, काय में बेटा सेकंड में। लेकिन अगर इसे आपको मिनट में बनाना, 1920/60 से डिवाइड कर दो, मिनट में आ जाएगा, 0 to 0 कैंसिल, 60 से कट करेंगे, 6 3 कितना हो गया 18 32, तो ये बना हमारा 32 मिनट, मतलब 32 मिनट लगेंगे उसको टेम्परेचर राइज करने में। इसके बाद में क्वेश्चन 7 है, 7 क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर है ऑफ पावर 600 वाट, तो यहाँ भी पावर दे रखी, पावर कितना दिया हमें 600 वाट दिया पावर, राइज द टेम्परेचर ऑफ 4 kg ऑफ लिक्विड, 4 kg लिक्विड का मास कितना दे दिया हमें, 4 kg लिक्विड दे दिया। इसके बाद में क्या दिया, लिक्विड फ्रॉम 10°C to 15°C, तो कितना टेम्परेचर करना हमें, T1 10°C और T2 कितना दिया हमें, 10 to 15°C, तो यहाँ से डेल्टा टी फटाफट से निकालोगे 5°C आएगा, और डेल्टा टी ये 5 केल्विन भी लिखा जा सकता है डेल्टा की फॉर्म में। इसके बाद में आगे क्या आया हमारा, ये इन 100 सेकेंड जो टाइम दिया वो कितना दे दिया, यहाँ पे टाइम पूरा लिख दो, कभी टी टेम्परेचर में टाइम में कन्फ्यूजन हो, टाइम दिया 100 सेकेंड, मतलब 100 सेकेंड ये चला है। तो इसके बाद में हमें क्या निकालना, हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों निकाल लें। चलो निकालते हैं, तो पहले अगर हम बात करते हैं, पावर पी इज इक्वल टू होता क्यू अपॉन टी, क्या होता क्यू अपॉन टी, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी इंटू टी, और क्यों होता क्या, क्यों होता आपका सी एम इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू पी इंटू टी, ये क्यों की वैल्यू होती, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो सी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन कितना बना ये हमारा एम इंटू डेल्टा टी, तो सी इज इक्वल टू, लगाओ पावर की वैल्यू, लगाओ पावर कितनी 600 एंड टाइम कितना है, सॉरी ये जो ये है ये आपका टाइम है, इससे टी जो है ये टाइम है, ध्यान रखना ये टाइम है, टाइम से डिवाइड होता है ना, तो टाइम कितना लगा हमारा 100 सेकंड लगा, मास कितना है 4 केजी है, और डेल्टा टी कितना है, और ये 5 है, ठीक, तो 4 से काटेंगे इसे 25 टाइम, और 5 से काटेंगे इसे 5 टाइम, तो सी इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाई 5, तो सी इज इक्वल टू 5 6 30, और ये हो गया आपका 3000 हो गया जूल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स, बट ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये क्या हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी है, लेकिन आपको खाली हीट कैपेसिटी चाहिए, हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी के लिए क्या करेंगे हम, सी डेस की वैल्यू कितनी होगी, जो सी डेस होती है, सी डेस इज इक्वल टू होता सी इंटू एम, सी डेस जो होता सी इंटू एम, तो सी डेस की वैल्यू निकालोगे तो सी डेस इज इक्वल टू सी कितना 3000 मल्टीप्लाई बाई एम कितना हो गया, एम है 4, तो सी डेस इज इक्वल टू हो जाएगा 4000 12000, और ये हो जाएगा जूल और केल्विन इनवर्स, इसकी यूनिट हो जाएगी। तो आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डेसिमल में दे दिया, ऐसे सी डेस को लिख दिया 1.2 × 10⁴, और जूल और केल्विन इनवर्स। क्वेश्चन 8, 0.5 kg ऑफ लेमन स्कॉच, लेमन स्कॉच है 0.5 kg एट 30°C इज प्लेस्ड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में रखा है इसको, विच इज रिमूव हीट, जो कि हीट को रिमूव करना है, मतलब उसे ठंडा करना, एट एन एवरेज रेट 30 joule per second, ये इसकी पावर दे रखी है, हाउ विल लॉन्ग टू कोल द लेमन स्कॉच 5°C, मतलब 30°C पे था, 5°C पे लाना, तो मास ऑफ लेमन स्कॉच कितना था 0.5 kg हो गया, वो जो टेम्परेचर T1 था वो था 30°C, और T2 कितना हो गया इसमें
5 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से अगर हम डेल्टा टी लें तो डेल्टा टी आता है 25 डिग्री सेल्सियस। बट ध्यान दें ये माइनस में आएगा, लेकिन हम माइनस यूज़ नहीं कर रहा, बस माइनस ये शो करेगा कि टेम्परेचर बढ़ाया नहीं जा रहा, टेम्परेचर को घटाया जा रहा। तो डेल्टा टी से 25 केल्विन भी लिखा जा सकता, क्या लिखेंगे इसे डेल्टा टी को 25 केल्विन। अब इसके बाद में हमें पावर कितनी दी, पावर पी इज इक्वल टू 30 जूल पर सेकंड दे दी है, और दूसरी चीज़ क्या दी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी इज इक्वल टू 4200 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये चीज़ दे रखी है। चलो तो आगे देखते हैं, आगे लगाएंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे, पी पावर इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता, बट हमें टाइम चाहिए, ये टी क्या है यहाँ पे टाइम है, तो हमें टाइम चाहिए, तो ये टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, क्यू अपॉन पी हो जाएगा। तो टाइम टी इज इक्वल टू, बट क्यू की वैल्यू लगा लो आप, क्यू कितना होता है सी एम डेल्टा टी होता, तो क्यू टाइम सी कितना 4200, एम कितना हो गया मास 0.5 केजी, और डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी है 25, डेल्टा टी 25, पावर कितनी है हमारी 30 है। तो अगर आप देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस पॉइंट से दूसरा जीरो कैंसिल हो जाता, और यहाँ थ्री से इसे काटेंगे कितने टाइम, ये कटेगा हमारा 12 टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा ये हमारा, नहीं 12 टाइम नहीं, 3 1 3 3 4 12 14 टाइम जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 20, 14 5 जा कितना होता 70 होता, मल्टीप्लाई बाई 25, अब 70 की मल्टीप्लाई करनी जीरो है जेड, 7 5 जा 35, 5 केरी 3 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, तो 175 ये आया आपका क्या चीज़ टाइम सेकंड में, बट इसे काय में बनाना, हमें सेकंड को मिनट में बनाना, तो 1750 को डिवाइड करेंगे काय से 60 से, तो चलो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 1750 डिवाइड बाय कितना 60, तो 60 से डिवाइड करते हैं 6 2 12 120 हो जाता, और बचा कितना हमारा, ये यहाँ बचा हमारा 5 और ये बच गया अगेन 5 और 0, 69 सा कितना आया 54 हो गया और ये 0 हो गया, तो कितना बच गया ये हमारा 10 हो गया, कितना हो गया 10, तो ये जब हम डिवाइड करेंगे ये मिनट बनता, क्या बनता मिनट, या इसे ऐसा बोल सकते हैं 29 होल 29 मिनट 29 होल 29 प्लस, या फिर ये बोल सकते हैं 10 बाई 60 मिनट। और दूसरी चीज़ अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहते हो 29 मिनट हो जाएंगे ये, और ये 10 बाई 60 कितना हो जाएगा 10 सेकंड हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर 29 मिनट और 10 सेकंड। चलो 9 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इज दिस, अ मास ऑफ 50 ग्राम मेटल ऑफ अ सर्टेन मेटल एट 150 डिग्री सेल्सियस इज इमर्ज 100 ग्राम ऑफ वाटर 11 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है कि 50 ग्राम की एक मेटल है 150 डिग्री सेल्सियस पर वो गर्म है, उसे इमर्ज किया जा रहा है 100 ग्राम वाटर में जिसका टेम्परेचर है 11 डिग्री सेल्सियस। तो इससे ये पता चला कि मेटल जो ज़्यादा गर्म है उसे पानी में इमर्ज करेंगे तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो यहाँ दो चीज, एक को लिखेंगे मेटल, यहाँ दूसरा क्या लिखेंगे हम वाटर। मेटल का मास M1 कितना हमारा, मेटल है 50 ग्राम की, और इसका जो मास है M2 वाटर का कितना 100 ग्राम है, और यह टेम्परेचर मेटल का कितना T1 इज इक्वल टू 150 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर T2 कितना हमारा 11 डिग्री सेल्सियस का आएगा वाटर का। और ये बोला द फाइनल टेम्परेचर, जो फाइनल टेम्परेचर है आफ्टर इमर्जन, तो क्या करेंगे हम आफ्टर इमर्जन, आफ्टर इमर्ज फाइनल टेम्परेचर इसे बीच में लिख दिया टी इज इक्वल टू कितना है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब मेटल का टेम्परेचर कम हुआ वाटर का बढ़ गया, दोनों इमर्ज होंगे, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन इधर से इधर होगा मेटल से इसकी तरफ। अब जो हमें दे रखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें मेटल की जो है सी वन फाइंड आउट करनी, और जबकि हमें सी टू हमें दे रखी, कितनी दे रखी स्पेसिफिक 4.2 जूल ग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ग्राम में दे रखा सब चीज़ ग्राम में रहने दो, किलोग्राम में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब पहले वाले मेटल की जितनी हीट कम हुई होगी दूसरे वाले वाटर की उतनी हीट बढ़ी होगी, क्योंकि ये जो एनर्जी होती कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एक ही हीट ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे में हुई है। इसका मतलब यहाँ पर क्यू वन इक्वल होगा क्यू टू के, क्यू वन क्या होगा हमारा सी एम और डेल्टा टी, बट डेल्टा टी ध्यान से लिखेंगे हम,
डेल्टा टी क्या है, इसका टेम्परेचर बड़ा वाला 150, छोटा वाला कितना है हमारा 20, तो बड़े वाले टेम्परेचर से T1 माइनस T करना पड़ेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा CM, यहाँ कितना बड़ा टेम्परेचर 20 हो रही है, तो इसे करेंगे T माइनस के T2। साथ ही साथ एक चीज़ और, यहाँ C1M1 या C2M2, ये फॉर्मूला हो गया, इस सब की वैल्यू रखेंगे, C1 जो कि हमें फाइंड आउट करना, M1 हो गया 50 और T1 कितना 150 माइनस T फाइनल टेम्परेचर है जो कि 20 है, C2 कितना हमारा 4.2 एंड M2 100 और ये हो गया आपका T20 माइनस के 11। चलो तो देखते हैं, C1 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई, इनको मल्टीप्लाई कर माइनस करेंगे 130 इज इक्वल टू 4.2 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाई कितना बन गया ये 9, तो C1 इज इक्वल टू 4.2 मल्टीप्लाई, पॉइंट से जीरो से पॉइंट हटा लो तो ये हो गया आपका 42 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाई 130। कट हमने यूँ नहीं किया ये, क्योंकि अब बाद में कट कर लेंगे इसको, देखो जीरो से जीरो कैंसिल, आसानी होती मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फिर कट नहीं होता। अब देखो आगे क्या आएगा, 13 से ही कट जाएगा, नहीं कट रहा कुछ भी, तो 2 से ये 25 कट जाएगा, ये 25 टाइम और ये कितने टाइम, 2 से 21 टाइम, तो C1 आया 21 मल्टीप्लाई बाई 9 और 25 मल्टीप्लाई बाई 13, तो C1 इज इक्वल टू 9 1 9 9 2 कितना हो गया ये हमारा 18 हो गया अपॉन 25 का, 13 से करते हैं 25 का, 25 3 ज़ा 75, 5 केरी 7, 25 वन ज़ा 25 और 7 कितने बने, ये हमारे 2 हो गया और 3 32। अब इसे जब हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है इसका आंसर, 0.582, ये बनेगा हमारा C1 इज इक्वल टू 0.582 और ये हो जाएगा आपका जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 क्या बोल रहा हमारा कि 45 ग्राम ऑफ वाटर, कितना वाटर है 45 ग्राम ऑफ वाटर 50 डिग्री सेल्सियस इन अ बीकर इज कूल्ड,